का धन्यवाद देती हूं कि आज मुझे इस कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया है। अपने नेता प्रतिपक्ष और जम्मू और भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद करती हूं। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार में जो विकास की लहर बह रही थी वो अचानक से रुक गई है। ऐसा लगता है कि लकवा मार गया है। आज राज्य सरकार की उपलब्धि का अगर हम आकलन करेंगे तो पता चलता है कि केंद्र सरकार से बनाए जा रहे नेशनल हाईवे सिर्फ वही रह गया है राज्य सरकार के पास दिखाने के लिए। मैं माननीय मंत्री पथ निर्माण भारत सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं कि बिहार में उन्होंने ये कार्य करने का काम किया है। और साथ ही साथ ये सुझाव देती हूं कि हमारे जो माननीय मंत्री राज्य सरकार है वो उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानकर स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड का भी काम इसी तरह से आगे बढ़ाए। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने, माननीय संजय भैया और प्रमोद जी ने अपनी बात बहुत ही मजबूती से रखी। उस बात का मैं ज्यादा विवरण नहीं करूंगी, लेकिन ये जरूर बताऊंगी कि बिहार में इस वक्त 3500 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे या तो बन रहे हैं या उनका चौड़ीकरण का काम चल रहा है। साथ ही साथ केंद्र सरकार के भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बिहार में 650 किलोमीटर लंबे राजमार्ग का निर्माण कार्य जारी है। पूर्वी और पश्चिमी बिहार को जोड़ने के लिए 5 जगह पर फोर लेनिंग का काम चल रहा है। उत्तर और दक्षिणी बिहार को जोड़ने के लिए 6 जगह पर फोर लेनिंग की परियोजनाएं चल रही हैं। साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, आपको याद दिला दें कि प्रधानमंत्री के पैकेज के अंतर्गत 54,000 करोड़ और भारतमाला परियोजना के तहत 62 करोड़ यानी कि टोटल 1,16,000 करोड़ के आसपास की राशि दी गई है, जिससे विभिन्न राष्ट्रीय उच्च पथ का उन्नयन कार्य चल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, सवाल बहुत ही सरल है कि इस आंकड़े में या आंकड़ा जो आपने अपने किताबों में दर्शाया है, अपने बजट में दर्शाया है, उसमें राज्य सरकार की पैसे और उसमें भूमिका कहाँ आती है? सवाल सिर्फ इतना सा है। साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, ये भी हाउस के सभी सदस्यों को बताना चाहेंगे कि नाबार्ड में हर वित्तीय वर्ष की तरह जून के महीने में 2,000 करोड़ की योजनाएं लिखी गई थी, जिनकी स्वीकृति जुलाई तक हो जानी थी, लेकिन आज तक 2,000 करोड़ रुपए जो रेखांकित थे नाबार्ड में आरसीडी विभाग के लिए, उसका स्वीकृति नहीं मिला है, वो टेंडर प्रक्रिया में नहीं गया है और पैसा उसी तरह से व्यर्थ जा रहा है। साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, एक और बात हाउस के सामने रखना चाहेंगे। माननीय मंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, सभी लोग जानते कि हमारे साथ स्कूल में भी पढ़े थे और खेल में भी रुचि रखते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे लगता है कि 8 अगस्त 2022 को इन्होंने शपथ ग्रहण की थी और आज 7 से 8 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी के पास इतना भी समय नहीं मिला कि माननीय नितिन गडकरी जी से जाके मिल ले और जो राज्य और केंद्र सरकार की जो टसल चल रही है या जो बात खुल के नहीं हो पा रही है, उसका समन्वय बैठाने का काम करे, जिससे में बिहार का विकास का कार्य आगे बढ़ सके। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ ये बताना चाहेंगे कि पथ निर्माण की अगर हम बात करें तो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे की जो कुल लंबाई होती है उसकी अनुपात यानी कि रेशियो 1:1 की होनी चाहिए। हालांकि अगर नेशनल हाईवे की कुल लंबाई स्टेट हाईवे से अधिक भी रह सकती है, लेकिन उदारता के साथ भी अगर हम बिहार की बात करें और अनुपात क्रमश बताएं तो ये 3:2 से भी अधिक नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि नेशनल हाईवे की कुल लंबाई लगभग 5,970 किलोमीटर है, जबकि राज्य स्टेट हाईवे की लंबाई मात्र 3,630 के आसपास है। साथ ही साथ उपाध्यक्ष महोदय, आपको यह भी बता दें कि जो हमारी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड होती है उसकी चौड़ाई जो इंटरमीडिएट लेन होता है वो लगभग 5.5 मीटर की होनी चाहिए, लेकिन बिहार में 1/3 ऐसी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है जिसकी सिंगल लेन सिर्फ और सिर्फ 3.75 मीटर की है, यानी ग्रामीण सड़क के बराबर है। इन्हें हमें चौड़ीकरण कराने का कार्य अवश्य करना चाहिए और जल्दी करना चाहिए। साथ ही साथ उपाध्यक्ष महोदय, जो आज सबसे बड़ी दिक्कत बिहार में मुझे दिखाई देती है वो यह है कि हम रोड बना देते हैं, हम पुल बना देते हैं, लेकिन अप्रोच रोड नहीं बन पाती है। मैं ये जानना चाहूंगी
कि ऐसे कितने पुल और सड़क बने हैं जिनका अप्रोच रोड नहीं होने के कारण वह ऑपरेशनल नहीं हो पाते हैं। क्या माननीय मंत्री यह बता सकते हैं कि आज ऐसे कितने रोड्स हैं जो सिर्फ अप्रोच रोड ना होने के कारण ऑपरेशनल नहीं है। अब उपाध्यक्ष महोदय, बजट का सत्र चल रहा है, हमारे राज्य की तरह अन्य राज्यों में भी इसी बजट के ऊपर चर्चा हो रही है, पार्लियामेंट में भी चर्चा हो रही है। अगर हम अपने साथी प्रदेशों की बात करें, राज्य की बात करें, जहां पे भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार है, तो यहाँ पे बैठे कई साथियों को जरा मिर्ची सी लग जाती है। इसीलिए हम अपनी तुलना वैसे राज्यों के साथ करेंगे जहां पे यूपीए की सरकार है। जैसे कि राजस्थान की बात करें तो वहां का बजट, जो पथ निर्माण का बजट है, वो 6500 करोड़ के पास है, जो जबकि बिहार में उससे भी कम बजट है। साथ ही साथ अगर झारखंड की बात करें तो 6300 करोड़ का बजट है उनका, जो भी बिहार से ज्यादा है। छोटे देश जैसे कि छत्तीसगढ़ की बात करें उपाध्यक्ष महोदय, तो 3500 का करोड़ है, जबकि बिहार का बजट, और बिहार में जितने लोग हैं, बिहार इज द थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन दिस कंट्री। उपाध्यक्ष महोदय, क्या यहाँ का बजट बाकी इन राज्यों से ज्यादा नहीं होना चाहिए? अगर हम अपने उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर पथ निर्माण का बजट 30,000 करोड़ है और महाराष्ट्र में 14,225 करोड़ का ये बजट पेश किया गया है। साथ ही साथ साथियों, ये भी बता दें, अभी हमने आप लोगों को नाबार्ड के बारे में जानकारी दी। अगर हम एडीबी की बात करते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं, तो हर साल नई योजनाएं वहां पे लिखाई जाती थी, हर साल की हर वित्तीय वर्ष में ये योजनाएं लिखी जाती थी। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, सरकार कह लीजिए, माननीय मंत्री कह लीजिए या मंत्रीगण कह लीजिए, इस वित्तीय वर्ष में एडीबी में एक भी योजना नहीं लिखी गई है। क्या ये सरकार की सुस्ती है? क्या ये सरकार की लापरवाही है? इसका जवाब भी हम जरूर सुनना चाहेंगे। अध्यक्ष महोदय, पूरी किताब में, पूरे बजट के किताब में केंद्र की योजनाओं की चर्चा की गई है। इस बात को हमारे भाई माननीय सदस्य संजय जी ने बड़ी मजबूती से लिखा है। ये किताब, ये रिपोर्ट आप ही को आईना दिखाने का काम कर रही है। ये जितनी भी योजनाएं लिखी गई हैं, ये पूरी की पूरी तरह से केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, और पूर्व में चल रही जितनी भी योजनाएं थी वो माननीय मंत्री नितिन नवीन जी के कार्यक्रमों द्वारा की गई थी। अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा समय और मांगेंगे इसीलिए इस कारण क्योंकि आज पथ निर्माण के साथ साथ कला संस्कृति युवा का भी डिपार्टमेंट है, और एक अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज और एक सदस्य होने के नाते आप हमारा समय थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, मात्र 2 मिनट और लेंगे। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2021 की बात थी, माननीय उप मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष के का भूमिका निभा रहे थे, हम सत्ता पक्ष में पीछे बैठे थे। उन्होंने उस वक्त पूछा हमसे कि बिहार में खेल की और खेल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत संरचना है, उसकी क्या स्टेटस है, उसके बारे में आप क्या सोचती हैं? उस वक्त सत्ता पक्ष में रहने के कारण उपाध्यक्ष महोदय शायद उस बात का जवाब हम मजबूती से नहीं दे पाए थे, लेकिन आज जरूर कहना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय, उसी दिन स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय का और इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का विधेयक, स्पोर्ट्स विधेयक पास हुआ था। अध्यक्ष महोदय, ये 740 करोड़ 90 एकड़ में पूरा विश्वविद्यालय बनने जा रहा था। उस दिन उम्मीद की एक किरण दिखी थी सभी खिलाड़ियों के लिए कि शायद बिहार के बच्चे भी बिहार में स्पोर्ट्स कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आज तक जो शिलान्यास हुआ उसके बाद एक भी ईंट नहीं जोड़ी गई है। ये काम कब पूरा होगा? क्या ये बिहार का सपना सिर्फ अधूरा रह जाएगा? इतना ही जानना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय। पूरे 15 साल से हमारा करियर रहा है अध्यक्ष महोदय, बिहार के लिए निशानेबाजी करते हैं, भारत के लिए निशानेबाजी करते हैं, लेकिन आज तक बिहार की सरकार ने एक भी शॉटगन शूटिंग रेंज का निर्माण कार्य नहीं किया। बिहार की ऐसी बेटी आज विधानसभा में खड़े होकर बोल रही है जिसको राष्ट्रपति ने 2018 में अर्जुना पुरस्कार से सम्मानित किया है। एक भी शॉटगन रेंज नहीं होने का कारण क्या है? ये माननीय खेल मंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री जो खुद खेल में इतनी रुचि रखते हैं, इसका जवाब हमें जरूर दें। अध्यक्ष महोदय, आपने हमें इतना समय दिया, इन समय के साथ एक लाइन, क्योंकि माननीय सदस्य शकील जी कुछ नमक की बात कर रहे थे तो मैं भी उनको बोलना चाहूंगी।
ना बोला वंदे मातरम, ना बोला वंदे मातरम, सरे आम हो गए, खाया वतन का नमक और आज नमक हराम हो गए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। माननीय सदस्य।